दोस्तों, जब भी हम यूरोप के खूबसूरत तरीन मुल्क स्विट्जरलैंड का नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में खूबसूरत ब्रांडेड स्विस घड़ियां, मजेदार चॉकलेट्स, स्विस आल्प्स और इन तमाम दिलफरेब मनाजिर का ख्याल आता है जिसके लिए स्विट्जरलैंड दुनिया भर में मशहूर है। और पाकिस्तानी अवाम के माइंड में तो एक इजाफी ख्याल स्विस बैंक अकाउंट्स का भी आता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये मुल्क 20वीं सदी में होने वाली दो अजीम जंगों में मुकम्मल गैर जानिबदार रहा है? इतना पुरामन और न्यूट्रल मुल्क होने के बावजूद इसके हर तीसरे शहरी के पास असला भी है। इसकी आखिर क्या वजह है? क्या यहाँ के आम शहरी भी पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून और यहाँ तक के आईन को भी चैलेंज कर सकते हैं? स्विस लोग आखिर अपने ही बच्चों का नाम अपनी मर्जी से क्यों नहीं रख सकते? दोस्तों, इन सवालों का जवाब और मजीद ऐसे बहुत से हकायक जिनको शायद आप पहले न जानते हो, आज हमारी वीडियो का मौजू है। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। नाज़रीन गिरामी, सैकड़ों सालों से गैर मुतनाज़ा स्विस में आतिशी असला रखने की शरह बहुत ज्यादा है। स्विट्जरलैंड के हर तीसरे शहरी के पास किसी न किसी शक्ल में फायर आर्म जरूर मौजूद रहती है। लेकिन दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि इसके बावजूद यहाँ जराइम की शरह बहुत कम या न होने के बराबर है। इसका मुवाजना अगर अमेरिका के साथ किया जाए तो यहाँ गन वगैरह से हलाकतों की शरह 10 गुना कम है। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर पुरामन स्विस लोगों के पास इतने ज्यादा हथियार क्यों हैं? तो इसकी वजह यह है कि यहाँ कानून के मुताबिक हर मर्द शहरी पर लाजिम है कि वो फौजी सर्विस का आर्जी तौर पर हिस्सा बने। जब शहरी फौजी सर्विस को मुकम्मल कर लेते हैं तो अपने जेर इस्तेमाल गन या पिस्टल वगैरह भी साथ ले जाते हैं। इसके अलावा भी स्विस शहरियों, हत्ता कि वो गैर मुल्की जो यहाँ के शहरी भी नहीं है, इन्हें भी हथियार रखने का परमिट बासानी मिल जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि स्विस कानून के मुताबिक स्विस शहरी अपने पैदा होने वाले बच्चे का नाम अपनी मर्जी से बिल्कुल भी नहीं रख सकते, बल्कि इनको नाम रखने के लिए मुतालका हुकाम से अप्रूवल लेना पड़ता है। इस कानून के मुताबिक स्विस गवर्नमेंट ऐसे किसी भी नाम को मुस्तरद कर सकता है जो आगे चलकर बच्चे की शख्सियत पर बुरा असर डाल सकता है या नुकसान पहुँचा सकता है। हर एंगल से जांचने के बाद हुकाम किसी एक नाम को अप्रूव करते हैं। इस कानून का एक दिलचस्प वाकया इस वक्त पेश आया जब स्विस गुलकार क्रिस्टाइन लोटरबर्ग को अपनी बेटी का नाम 3 बार तब्दील करना पड़ा। दोस्तों, स्विस कानून के मुताबिक शहरी पार्लियामेंट की तरफ से पास किए गए किसी भी कानून को चैलेंज कर सकते हैं, हत्ता कि किसी आईनी तरमीम के प्रोसेस का आगाज भी कर सकते हैं। इसका तरीका ये है कि अगर कोई स्विस शहरी ये समझता है कि कानून साजी ठीक नहीं हुई तो इस शहरी को ये हक हासिल है कि इस कानून को चैलेंज कर सके। इसके लिए इस शहरी को 100 दिन के अंदर अंदर 50 आम शहरियों के साइन लेने होंगे। इसके बाद फिर कौमी सतह पर एक रेफरेंडम करवाया जाएगा। अगर अक्सरियत का वोट इस कानून साजी के खिलाफ हुआ तो इस कानून को नाफिज नहीं किया जाएगा। दोस्तों, अगर कोई स्विस शहरी मुल्क के आईन में कोई तरमीम करवाना चाहता हो तो इसका प्रोसेस भी ऐसा ही है, बस यहाँ 50,000 के बजाय 1 लाख अफराद के साइन दरकार होंगे। स्विट्जरलैंड के हुकूमती मामलात कोई एक शख्स नहीं चलाता, बल्कि ये काम 7 मेंबर्स पर मुश्तमिल एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जिम्मे है और यही कौंसल फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदार होता है, जिसमें हर शख्स मुतालिका डिपार्टमेंट का हेड होता है। बहरहाल, इन 7 में से 1 मेंबर को 1 साल के लिए स्विस कॉन्फेडरेशन का सदर चुना जाता है। लेकिन याद रहे, इसे हेड ऑफ स्टेट नहीं कहा जा सकता, बल्कि ये पूरी कौंसल ही हेड ऑफ स्टेट का दर्जा रखती है। अलबत्ता ये जरूर कहा जा सकता है कि प्रेसिडेंट अपने बराबर के मेंबर्स में पहला दर्जा रखता है, लेकिन इसके पास इजाफी इख्तियारात या कोई खास इख्तियार नहीं होता। नाज़रीन गिरामी, चॉकलेट दुनिया के हर मुल्क में बड़े शौक से खाया जाता है, लेकिन स्विस शहरी फीकस चॉकलेट इस्तेमाल करने के हवाले से दुनिया में पहले नंबर पर है। फोरम्स के मुताबिक एक शहरी सालाना 25 पाउंड खा जाता है, जबकि इस लिस्ट में अमेरिका का दूसरा नंबर है, जहां हर शहरी सालाना 20 पाउंड चॉकलेट कंज्यूम करता है। स्विस लोग न सिर्फ खुद चॉकलेट शौक से खाते हैं, बल्कि दुनिया के दूसरे ममालिक को एक्सपोर्ट भी करते हैं और सालाना तकरीबन $1 अरब की चॉकलेट एक्सपोर्ट कर जाते हैं। दोस्तों, अगर आप स्विट्जरलैंड में कहीं भी मौजूद हो और किसी भी सिम चल पड़े तो ज्यादा से ज्यादा 10 किलोमीटर बाद आपको एक झील जरूर नजर आएगी। 41,000 मुरबा किलोमीटर के रकबे पर मुश्तमिल इस मुल्क में हजारों छोटी बड़ी झीलें मौजूद हैं, जो इस मुल्क की खूबसूरती को मजीद बढ़ाती हैं। वैसे तो ये मुल्क रकबे के लिहाज से इंतहाई छोटा है, लेकिन अल्पाइन नेशन के नाम से मशहूर स्विट्जरलैंड में किसी भी दूसरे यूरोपियन मुल्क के मुकाबले में सबसे ज्यादा बुलंद पहाड़ और चोटियाँ मौजूद है। सतह समंदर से 4,000 मीटर बुलंद पहाड़ों की तादाद 48 है। स्विट्जरलैंड की इस खूबसूरती की वजह से यहाँ हॉलीवुड और बॉलीवुड के बेशुमार मूवीज को फिल्माया जा चुका है। दोस्तों, स्विस कानून के मुताबिक अगर कोई शख्स अपनी जिंदगी को खत्म करना चाह रहा हो तो वो किसी
फिजिशियन या डॉक्टर की मदद ले सकता है। डॉक्टर इसे कोई मेडिसिन तजवीज कर देगा जिसे इस्तेमाल करके वो अपनी जिंदगी का खात्मा कर सकेगा। अलबत्त ये जरूर है कि इससे ये दवा खुद ही इस्तेमाल करनी होगी। इस मकसद के लिए स्विट्जरलैंड का रुख करने वालों को सुसाइड टूरिस्ट भी कहा जाता है। जर्मनी, लग्जमबर्ग, इटली, न्यूजीलैंड, कनाडा और अमेरिका की कुछ रियासतों में भी ऐसी हरकत करना लीगल करार दिया जा चुका है। स्विट्जरलैंड में जानवरों के हकों का भी ख्याल रखा जाता है। स्विस कानून के मुताबिक अगर आप यहाँ कुछ जानवर घर में रखना चाहें तो आप पर लाजिम है इनको एक जोड़े की सूरत में रखे ताकि आपकी गैर मौजूदगी में वो एक दूसरे को कंपनी दे सके। इसके अलावा पालतू जानवरों के शौकीन अफराद के लिए बाकायदा क्लासेस और सेमिनार का भी इनेकाद किया जाता है जहां इन जानवरों को खाना खिलाने और इनका ख्याल रखने के तरीके बताए जाते हैं। लेकिन याद रहे स्विट्जरलैंड में कुत्ता रखने के लिए इसकी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है और हुकूमत को टैक्स भी अदा करना पड़ता है। दोस्तों स्विट्जरलैंड की पुरान और गैर जानिबदार रहने की पॉलिसी पर शुरुआत 16वीं सदी में हुई जबकि 515 ईस्वी में स्विस कंफेडरेशन को फ्रांस के हाथों बैटल ऑफ मेरिंगनानो में इबरतनाक शिकस्त हुई। इस शिकस्त के बाद कंफेडरेशन ने अपनी तोसी पसंदाना पॉलिसी को तर्क कर दिया और अपने तहफ़ और मफाद की खातिर मुस्तकबिल में तसादम से बचने की पॉलिसी अपना ली। अलबत्त स्विट्जरलैंड ने किसी भी किस्म के जंगी हालात की तैयारी जरूर कर रखी है और इसके लिए उन्होंने एक खास किस्म के बंकर्स तैयार कर रखे हैं जहां शहरियों के लिए खुराक और अद्वियात का बंदोबस्त किया गया है। लंबे अरसे से पुरान और न्यूट्रल रहने की वजह से कई आलमी बड़ी तंजीमों के हेडक्वार्टर्स भी स्विट्जरलैंड में ही है जिनमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और रेड क्रॉस भी शामिल है। इसके अलावा फीफा का हेडक्वार्टर भी स्विट्जरलैंड में ही है। स्विट्जरलैंड कभी नेटो या यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं रहा। दोस्तों स्विट्जरलैंड एक महंगा मुल्क है लेकिन यहाँ महंगाई के बदले एक वैल्यू भी मिलती है। यहाँ काम करने वालों को अच्छा मुआवजा अदा किया जाता है। खासकर टीचिंग यहाँ दूसरे ममालिक के मुकाबले में हाईली पेड जॉब है। बेरोजगारी की शरह यहाँ 5% से भी कम है। स्विट्जरलैंड खुशहाल तरीन ममालिक में फिनलैंड और डेनमार्क के बाद तीसरे नंबर पर है। इसकी कुल आबादी 95 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। अगर आप स्विट्जरलैंड की शहरियत हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं तो यहाँ 10 साल गुजारने के साथ साथ इसके 4 कौमी जुबानों में से कोई एक जुबान सीखनी होगी। इस लिहाज से ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि स्विस शहरियत हासिल करना ज्यादा मुश्किल काम है। यूरोप का बुलंद तरीन रेलवे स्टेशन स्विस आल्प्स के पहाड़ी सिलसिले में ही वाकिया है। स्विट्जरलैंड के बॉर्डर्स जर्मनी, फ्रांस, इटली और ऑस्ट्रिया के साथ मिलते हैं। स्विट्जरलैंड के हमसाये ममालिक के साथ ताल्लुकात बहुत ही अच्छे हैं। नाज़रीन गिरामी मशहूर घड़ियों के ब्रांड्स जिनमें ज़ेनिथ, ओमेगा, रोलेक्स वगैरह स्विट्जरलैंड में ही बनते हैं जबकि स्विस की सबसे मशहूर प्रोडक्ट स्विस आर्मी नाइफ है। इस मल्टीपर्पज टूल के मुख्तलिफ और बेहतरीन फंक्शन है जिस पर एक तफसीली वीडियो बहुत जल्द हमारे चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। दोस्तों इंतहाई सख्त प्राइवेसी और कम फाइनेंशियल रिस्क की वजह से स्विस बैंक ब्लैक मनी को छुपाने की वजह से दुनिया भर में जाने जाते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर के वो अफराद जो अपनी ज़राए आमदनी नहीं बता सकते वो अपने पैसे स्विस बैंक्स में ही जमा करवाते हैं। लेजेंडरी अदाकार चार्ली चैपलिन ने अपनी जिंदगी के आखिरी आयाम स्विट्जरलैंड में ही गुजारे थे और इनकी वफात के बाद इन्हें यही दफनाया गया था। दोस्तों स्विट्जरलैंड के बारे में दिलचस्प मालूमात पर मबनी ये वीडियो आपको कैसे लगी अपनी राय से हमें कमेंट बॉक्स में जरूर आगाह कीजिएगा। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ज़र टीवी को सब्सक्राइब करके बेल का नोटिफिकेशन ऑन कर दें।